बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके बेबी को आए दिन लूज मोशन रहते हैं? क्या आपके बेबी का वज़न कम हो रहा है? क्या आपके बेबी को भूख कम लगती है? क्या आपके बेबी की ग्रोथ उम्र के लिहाज से बहुत स्लो हो रही है? तो आप अपने बेबी को जिंक सिरप का इस्तेमाल करवाएं। जिंक सिरप की कंपोजिशन में क्या शामिल है? जिंक सिरप की राइट डोज क्या होगी? क्या आप प्रेग्नेंट खवातीन जिंक सिरप इस्तेमाल कर सकती हैं? ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। जी दोस्तों, जिंक सिरप की कंपोजिशन में शामिल है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 10 mg, जबकि जिंक एट ओडी के हर 5 ml में जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 20 mg मौजूद होंगे। जिंक सिरप की राइट डोज होगी 6 माह से कम उम्र बच्चों में 10 mg, मतलब जिंक सिरप सुबह शाम हाफ चम्मच देंगे, वो भी 14 दिन जारी रखेंगे। और 6 माह से ऊपर के बच्चों में 20 mg पर डे, मतलब जिंक कैट ओडी हाफ चम्मच सुबह शाम देंगे, और ये मेडिसिन आप 14 दिन तक जारी रखेंगे। इस तरह बच्चों में बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हों तो आप अपने जिंक सिरप के साथ लिपलेक्स सिरप भी ऐड कर सकते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन जिंक सिरप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि वीडियो आपकी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।